भाई कई लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा माँ रोती है, पर शिव महापुराण कहती है बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है शायद उसके बराबर कोई नहीं रोता होगा, क्योंकि बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी, अरे बोलो तो, बाप को प्रिय, बाप को प्रिय है। कई बार बेटियां ऐसा शब्द बोल जाती, पापा मैं जा रही हूं, आपने मेरी शादी कर दी है, मैं दूसरे घर जा रही हूं पापा, पर आपकी बहुत याद आई पापा। सुनो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शुगर बड़ी रहती है, कुछ ले लिया करो दवाई। और बेटी जब घर से विदा होती है ना, एक केवल बेटी अगर घर से जाती है तो अपने पापा का मुख देखती है बार बार। लोग कहते हैं गाड़ी में बैठने से पहले विदाई के समय पर बेटी घर को नहीं देख रही है, पिता को देख रही है, और फिर घर को घूम कर देखेगी, मम्मी से कहती मम्मी मेरी विदाई हो रही है। और आजकल तो होटलों से विदाई हो जाती है, धर्मशाला भवनों से, गार्डन से विदाई हो जाती है, पर बेटी अगर कहीं से विदा होना चाहती है तो अपने घर से, मम्मी एक बार मुझे घर और देख लेने दो, मेरे को आपने, मम्मी आपने मुझको दूध पिलाया है, कैसे पाल पोस कर बड़ा करा माँ। पर बेटी बड़ी हो गई और दूसरे के घर ब्याह कर जाती होगी, उस माँ का कलेजा कितना रोता होगा जिसको पाल पोस कर बड़ा करा और दूसरी जगह भेज दिया। एक बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी होती है ना, उसको भी त्योहार पर अपने मायके की याद आती है, वो भी अपनी बहू से कहती है मेरे चार भाई हैं, चार राखी धर दे मेरे भतीजों के लिए रख दे। मम्मी वो राखी पहुंचेगी नहीं तो, इतने में बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी कहती है रख दे तू, वो पहुंच जाएगी, मुझे उम्मीद है। और बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी, जब माँ बाप जिंदा रहते हैं ना तब तक, माता पिता अगर जिंदा हैं तब तक बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी माँ की याद आती रहती है। बेटियों की आंख में भले घर में व्यस्त रहती है पर जब जब मायके जाती है तो बूढ़ी बूढ़ी माँ अपनी बेटियों को गले लगा कर कहती बहुत दिन हो गए रे, तू आती क्यों नहीं है। मम्मी बहुत फैला रहा है घर में, काम सरता नहीं, बहुत साथ है। भाई माता पिता जब चले जाते हैं ना तब बेटियां मायके आना कम करती हैं, अब नहीं आती। भाई और भाभी कहते हैं जीजी क्यों नहीं आती, भैया पापा की बहुत याद आती है। और माँ बाप से निवेदन है अपनी बेटी को कभी दूर गांव मत बिहाओ, बहुत दूर भेज देते हो भाई, वो मुंह देखने के लिए तरस जाती है। कई कई माँ बाप तो कोई पड़ोसी भी जाता है ना उसके साथ भी झोला रख कर भेज देती है, माए आज पड़ोसी जा रहा है, अपने पति से कहती है सुनो जल्दी जाओ जल्दी से बेसन ले आओ, मैं लड्डू बना देती हूँ मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगते हैं, और तिल्ली की गजक अच्छी लगती है, जाओ और अपने वो हलवाई की दुकान है ना उसके यहाँ से सामान लिया, उसको यहाँ के सेव बहुत अच्छे लगते हैं, जाओ। और कोई जा रहा हो बेटी के घर, पूरा झोला बांध के उसमें रुमाल बांध कर माँ उस थैली को तैयार कर कर दे देती और कहती है मेरी बेटी को दे देना, कहना आपकी बार कोई आ नहीं पाया। और बेटी को जब वो देता है ना तो बेटी सबसे पहले पूछती है काका जी आप आए, मेरे पापा कैसे हैं, मेरी मम्मी कैसी है। बेटी का सबसे पहला झोले पर विश्वास नहीं, संबोधन बेटी पर। यहां भी मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, जीजियों ईमानदारी की बात है, कैसे आप लोग अपना घर छोड़कर आते होगे, दरवाजे को जब देखते हो और कई बार अपने खिलौने के कमरे में भी जाते होगे, अभी भी शादी होने के बाद भी आपको अगर मायके की याद आती होगी ना तो पापा के साथ बैठकर खाई हुई वो रोटी जरूर याद आती हो, मम्मी गरम गरम उतार के देती जाती है और तुम्हारी थाली में लाकर देती है और तुम कहती हो मम्मी पेट भरा गया एक और खा लो, एक और ले लो, मैंने तेरे लिए बनाई थोड़ी सी मोटी कर दी है। तुम्हें याद आती होगी माँ जो पतली पतली दाल बना देती होगी एकदम पानी जैसी,
क्योंकि जब तुम थे तब उसकी परिस्थिति नहीं थी, ना जाने किस परिस्थिति में तुम्हारा विवाह करा होगा, कैसे परणा कर भेजा होगा। रात रात भर माँ बाप भी जगते रहे तुम्हारी शादी के समय पर, और बाप ने अपनी पत्नी से कहा जो जो उसको अच्छा लगता है उसकी पेटी में रख दे, उसकी अटैची में रख दे, सुनो उसको थोड़े से कोई फ्रिज कोई कूलर दे दे, तो पैसे नहीं है मैं कर्जा कर कर ले आऊंगा उसको दे दे। कोई माँ बाप बेटी को विदा करता है, क्या नहीं दे साहब, उसने अपने प्राण तक निकाल देता है, सब कुछ दे दिया। बेटियां पूंजी है साहब, धन है, बहुत बहुत पूंजियां है। कैसा परिवार, मां सबसे पहले मायके में भोजन करती थी और यहां सबको खिला देती है, आखिरी में दो रोटी लेकर बैठती है ना, तब याद आती मम्मी तू सबसे पहले खिलाती थी, आज कोई पूछने वाला नहीं, आज बहुत याद आती है तेरी रोटी की माँ, और बहुत याद आती है माँ तू, तेरे द्वारा दिया हुआ मेरा ज्ञान, माँ कभी तो आया कर हमको देखने के लिए, कभी तो हमारे दरवाजे तक पहुंचा कर। और माँ जब मायके बेटी के ससुराल जाती है ना, और बेटी को सबसे पहले देख कर कहती कितनी दुबली हो गई, तो कुछ नहीं पाया, ले मैं बना दूं क्या, नहीं मम्मी वहां आती हो तुम खिलाती हो ना, आज मैं तुमको बनाकर खिलाती हूँ। माँ आंख में आंसू भरकर रोती हुई बिलकती हुई बेटी को देखकर कहती है कितनी प्रपंचे में पड़ी है, इधर सास मुंह बना रही होती है, उधर ननन मुंह बना रही होती है, पति का मुख चढ़ा हुआ होता है, सबको भोजन परोस देती है, सबके लिए कर देती है, पर अकेली रसोई घर में जब भोजन करने बैठती है तब माए का याद आ जाता, तब रो लेती है, नहीं सहन होता तो कमरे में चली जाती है और जाकर एकांत में जब माई के पूछती है, पापा पूछते हैं कैसी है रे तू, पापा मैं अच्छी हूँ, कितना दिल में दर्द लिए हुए, कितना दुख लिए हुए, कितनी तकलीफ लिए हुए बेटी अपने जीवन का निर्वाह करती है अपने जीवन। भाई दक्ष प्रजापति की कथा कह रही है, दक्ष प्रजापति ने सती को अपने यहाँ रखा, हिमालय राज ने पार्वती को रखा, जनक जी ने सीता को रखा, जब तक बेटी घर में रहे तो समझना भगवान की करुणा है, और खूब प्रेम से रखो, ना जाने उसके किस्मत में उसके भाग्य में तुम करोड़पति का घर भी देख कर दे दोगे तो ना जाने क्या उसकी किस्मत है और कितना उसको मिलना है, ये उसका भाग्य है, उसका भाग्य उसके साथ, किस्मत उसकी अपने साथ है। आप बहुत अच्छा देख कर देते हो कोई माँ बाप, हम तो कहते हैं बेटी लक्ष्मी और गाय गौ माता 50 बार विचार कर कर देना कि ये किसको दे रहे हैं। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करो ये लड़का इसके लायक है कि नहीं। गौ माता को ब्राह्मण को जब दान करो तो कहते हैं लोग हम हमारे पिता के निमित्त से गाय का दान दे रहे हैं, गाय का दान तुम ब्राह्मण को दे रहे हो, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण के यहाँ खुद रहने की जगह नहीं, वो चांदी के खुर सोने के सिंह के चक्कर में बाल्टी और डब्बे के चक्कर में गौ माता को ले गया, जब तक गाय ने दूध दिया तब तक बांध के रखी, फिर वो बेच दी, बेचते बेचते कसाई के हाथ में चली गई, गाय जब कटी तो जिसने दान दिया था उसको दोष लगा, लेने वाले को नहीं। इसलिए बेटी गाय और लक्ष्मी पैसा भी हमेशा सोच समझ कर दीजिए कि किसको दे रहे हो, कहीं किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डालो कि उस भिखारी ने लेकर वेश्यावृत्ति में लगा दिया, जुए में लगा दिया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया। अगर लक्ष्मी किसी गलत जगह पर जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है, गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। इसलिए देने से पहले बेटी गौ और लक्ष्मी 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो, सही जगह जा रही कि नहीं जा रही, सोचो समझो फिर।
फिर दिया जाए।